रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जेल भी चीता इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में भी बहुत परफेक्टली चल रही थी, पर अचानक से झाड़ियों में जाकर कहीं जेल भी चीता गायब सी हो गई। यार मैं इसको रिवर्स लेके आने की भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर ये बिल्कुल भी रिवर्स नहीं आ रही थी। इससे ज्यादा दूर जाने की हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अभी थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। मेरे को ऐसा लग रहा था गाइस कोई तो हम लोगों को यहाँ से देख रहा है। हेलो गाइस, आप में से काफी ज्यादा लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि तीन जेल भी चीता आरसी कार्स के बीच में फाइट कराने के लिए, तो देखो गाइस तीनों को ही रेडी करके यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ। देखते हैं ये तीन जेल भी चीता में से कौन सी जेल भी चीता कार आज जीत पाती है। सबसे पहले इनको कंपेयर करते हैं, फिर जाके रेस कराते हैं, खतरनाक वाली लड़ाई कराएंगे इन तीनों के बीच में। देखते हैं गाइस तीनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे तीनों को पहले मैं साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो जेल भी एक्सट्रीम है इन दोनों के मुकाबले में हाइट में थोड़ी सी ज्यादा दी गई है, क्योंकि यार ये एकदम लेटेस्ट वाला मॉडल है, ये दोनों थोड़े से पुराने वाले मॉडल है। ऑलमोस्ट तीनों का प्राइस 45,000 है। इसके व्हील्स कंप्लीट ऑफ रोड वाले दिए गए। इसके व्हील्स देखो रोड पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं और ऑफ रोड में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ग्रिप काफी ज्यादा दी गई है। इन दोनों के व्हील्स के बारे में बताऊं तो इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों के अंदर सेम टू सेम व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। व्हीली बार की बात करूं तो यहाँ पे दो व्हील्स मिलते हैं, इसके अंदर सिंगल व्हील दिया गया है, इसके अंदर भी डबल व्हीली बार दिया गया है। पहले जेल भी J3 को निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं और सबसे लास्ट में अपनी सबसे ज्यादा फेवरेट जेल भी 21101 को निकालते हैं। इसकी मोटर देखो एकदम मेरे को लेटेस्ट लग रही है और इसका मोटर का मॉडल नंबर भी थोड़ा सा अलग है दूसरी कार्स के मुकाबले में। अगर इसकी बात करूं तो इसकी भी मोटर काफी बड़े साइज की यहाँ पे इन लोगों ने दे रखी है और ये तीनों ही कार जो है कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये जो कार है ना भाई साहब एकदम गजब है। ये इसकी मोटर देख सकते हो, तीनों की मोटर का जो साइज है ये थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट लग रहा है। इसके सस्पेंशन इन दोनों के मुकाबले में थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि ये ऑफ रोड वाली कार है कम्प्लीटली। ये तीनों के अंदर ही 3S बैटरी मैंने लगाई है, जैसे कि ये 3S बैटरी है, ये भी 3S वाली है और ये भी 3S वाली है। तो चलो गाइस अभी फटाफट से कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज कौन सी JLB जीतती है, लेट्स गो। तो सबसे पहले रेस कराते हैं JLB चीता वर्सेस JLB एक्सट्रीम के बीच में, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है रेस को। जैसे ही मैंने रेस को स्टार्ट किया है JLB एक्सट्रीम पलट गई थी रोड के ऊपर, फिर से मैंने रेस को स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं फर्स्ट राउंड में कौन जीता है। क्लियरली JLB जीता, फर्स्ट राउंड में जीत चुकी है और JLB एक्सट्रीम क्रैश हो गई है झाड़ियों में। ओ भाई साहब यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया यार इसका। देखते हैं गाइस इसको क्या हुआ है, बहुत बुरी तरीके से ये चट्टान से टकराई है कार। ओ भाई ठीक ठाक तरीके से चल रही है, एक बार सामने देखते हैं। चल रही है गाइस okay, रेस फिर से एक बार स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं सेकंड राउंड में कौन जीता है। सेकंड राउंड में वापस से JLB जीता जीत चुकी है। एक्सट्रीम फिर से यहाँ पे पलट गई थी रोड के ऊपर। नो डाउट ये कार बहुत स्पीड से चल रही है, पर इसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है गाइस। थर्ड राउंड में भी JLB जीता जीत चुकी है। तो गाइस दोनों की रेस में JLB चीता जीत चुकी है और यह हार चुकी है। अब इसकी रेस कराते हैं JLB J3 के साथ। ओके अब ये जो रेस है बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे रेस स्टार्ट हो चुकी है, JLB जीता क्रैश हो गई थी, वापस से मैंने रेस को स्टार्ट कर दिया है। दोनों कार्स व्हीली मारती हुई बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। देखते हैं फर्स्ट राउंड में कौन जीतता है। मेरे को तो कुछ समझ आया नहीं गाइस, क्योंकि दोनों कार इतनी फास्ट चल रही है कि भाई क्या ही बताऊं। इसको रोक के देखते हैं, JLB J3 जीत गई है गाइस, इसके पीछे पीछे जा रही है JLB जीता। देखते हैं थर्ड राउंड में कौन जीतता है। थर्ड राउंड आते आते यहाँ पे गेम चेंज हो चुका है पूरी तरीके से, JLB जीता जीत गई थी। फोर्थ राउंड में भी JLB J3 जीत गई है, क्योंकि इसकी स्पीड एकदम कॉन्स्टेंट है और ये बिल्कुल भी रुक नहीं रही है गाइस। हाई स्पीड चलाने के चक्कर में देखो मैंने इसको क्रैश करा दिया है यहाँ पे गाइस। इस बार JLB J3 बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई है। ये देखो इसका बॉडी कवर अंदर घुस चुका है पूरा, इसको सीधा कर लेते हैं। ओके ठीक हो चुका है अभी ये कार भी काफी ज्यादा मजबूत मेरे को लग रही है। थोड़ा सा इसको हाई स्पीड में चला के देख लेते हैं। कुछ नहीं हुआ यार, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। क्लियरली रेस को JLB J3 जीत चुकी है भाई साहब। मेरे को नहीं लगा था गाइस ये जीतेगी, पर इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है। अब देखो गाइस मैं एक बहुत ही न्यू लोकेशन पे आ चुका हूँ। पीछे एक बहुत बड़ा घना जंगल है, इसके अंदर इन दोनों की रेस कराते हैं। देखते हैं ऑफ रोड रेस में इन दोनों में से अब कौन जीतता है। मतलब ये जो जंगल है काफी ज्यादा डेंजरस मेरे को लग रहा है, ये थोड़ा सा हॉन्टेड प्लेस जैसी मेरे को फील आ रही है यहाँ पे। क्योंकि यार देखो ना कोई चिड़ियों की आवाज आ रही है, ना कोई जानवर की आवाज आ रही है यहाँ पर। ठीक है गाइस रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। JLB J3 थोड़ा सा आगे आगे चल रही है और JLB जीता इसके पीछे पीछे जाके ऑलमोस्ट देखो यार इस तक पहुंच चुकी है और यहाँ पे इसने इसको टेक ओवर कर लिया है। अब दोनों की स्पीड थोड़ी सी मैं बढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की
है। जेल भी जीता तो आगे निकल गई है, पर जेल भी जेत्री यहाँ पे क्रैश हो गई है झाड़ से टकराने के बाद। जेल भी जीता इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में भी बहुत परफेक्टली चल रही थी, पर अचानक से झाड़ियों में जाकर कहीं जेल भी जीता गायब सी हो गई यार। मैं इसको रिवर्स लेके आने की भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर ये बिल्कुल भी रिवर्स नहीं आ रही थी। इससे ज्यादा दूर जाने की हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अभी थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। मेरे को ऐसा लग रहा था गाइस कोई तो हम लोगों को यहाँ से देख रहा है। मैं कार को लेके आने की पूरी कोशिश कर रहा था, मैंने रिमोट के अंदर ट्रिगर भी दबा के देखा यार, ये बिल्कुल भी वापस नहीं आ रही थी। फिर अचानक से गाइस जैसे ही मैंने रिवर्स हर्टल दिया, ये कार अपने आप ही वापस आ गई यार। ये जंगल सच में यार काफी ज्यादा डेंजरस है, पर देखो गाइस जेल भी जीता यहाँ पे बहुत आराम से चल रही है बिना कोई दिक्कत के। अब वो लोकेशन से हटकर मैं कोई दूसरी लोकेशन पे आ चुका हूँ। आप कराते हैं इन दोनों के बीच में रेस, देखते हैं क्या जेल भी जीता जेल भी एक्सट्रीम को ये रेस में हरा पाती है यानी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो और काफी खतरनाक सा टेरेन है। जेल भी एक्सट्रीम काफी आराम से चल रही है इतने खतरनाक से टेरेन में, मैं तो इसकी परफॉर्मेंस देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका हूँ। जेल भी चीता भी चल रही है, पर जैसे ही झाड़ियां आ रही है देखो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी थी। यहाँ पे जेल भी एक्सट्रीम जीत चुकी है रेस को, और रोड पे जब मैंने रेस कराया था ना यार वहां पे जेल भी चीता जीत गई थी। यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा दलदल है और ये गहरा भी हो सकता है और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है गाइस। इसके अंदर से जेल भी आरसी कार को चला के देखते हैं कौन सी कार यहाँ से निकल पाती है इतने खतरनाक दलदल में से। पहले मैं इसको थोड़ा सा स्लो चलाऊंगा, फिर अचानक से इसके अंदर मैंने जैसे ही स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है ये कीचड़ के अंदर पूरी की पूरी जाकर फंस चुकी है। ये देखो यार इतनी ऊपर तक ये कीचड़ फेंक रही है, अभी भी कार बिल्कुल भी यहाँ पे बंद नहीं हुई है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको बाहर निकालने के लिए, अब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि गाइस किसी ने इसको कीचड़ के अंदर पकड़ रखा है, ये बिल्कुल भी वापस नहीं आ रही है यहाँ से। मैं इसको धीरे धीरे करके निकाल लेता हूँ भाई साहब, एक बार मेरे हाथ में आ जाए। ये मैंने इसको पकड़ लिया है। ओह माय गॉड, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये दलदल इतना ज्यादा गहरा होगा। अब जेल भी जेत्री को मैंने जैसे ही अंदर लेके जाने की कोशिश की है ये कार भी यहाँ पे धीरे धीरे करके डूबने लगी थी। ना तो इसकी मोटर काम कर रही है ना तो इसके व्हील्स घूम रहे, फुल ट्रिगर भी मैंने देख लिया है गाइस। एक काम करते हैं इसको निकाल लेते हैं, इसके अंदर तो काफी बड़ी दिक्कत आ चुकी है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा अंदर चलाया है ये पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी है। काम करते हैं अब दूसरी कार को भी चला के देखते हैं। अब जेल भी चीता की बारी है, देखते हैं जिसके साथ क्या होता है। ओह माय गॉड, ये क्या था यार, ये तो बड़ी आराम से निकल गई है यहाँ से। ओ भाई साहब, ये जेल भी जीता सच में यार काफी ज्यादा कमाल की है। देखो गाइस ये कार इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, फिर भी यार आज इसने कमाल कर दिया। मेरे को नहीं लगा था कि ये इतने खतरनाक दलदल में से निकलेगी, पर भाई ये निकल चुकी है। दोस्तों आप कराते हैं पुशबैक, यहाँ पे दोनों कार्स को मैंने रख दिया, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे जेल भी चीता, ओ माय गॉड काफी खतरनाक कार है यार, इसने तो एक्सट्रीम को उठा के पटक दिया है। दूसरी तरफ मेरे को लगा था कि यार इस दोनों के बीच में काफी टफ कॉम्पिटिशन होगा, पर क्लियरली यहाँ पे जेल भी चीता जीत चुकी है। जेल भी जीता पुशबैक में तो बहुत आराम से जीत गई थी, देखते हैं क्या तगोफर में भी ये जीत पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, एक्सट्रीम धीरे धीरे करके जेल भी जीता को अपनी तरफ खींच रही थी। अब यहाँ पे जेल भी जीता को आ चुका है गुस्सा और इसने पूरी तरीके से पलट दिया है जेल भी एक्सट्रीम को, और देखो यार खतरनाक तरीके से घसीट के लेके जा रही है। जेल भी जीता वापस से जीत चुकी है, अब देखते हैं क्या जेल भी जीता जेत्री को भी तो फॉर में हरा पाएगी या फिर नहीं। दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है, दोनों इतनी ज्यादा मिट्टी फेंक रही है यार मेरे को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नजर तक नहीं आ रहा है। दोनों झटका लगाकर एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे को नहीं लगता कि इस दोनों में से यहाँ पे कोई भी जीतेगा और दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है कंप्लीटली। अब कराते हैं पुशबैक, देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है। यहाँ पे जैसे ही मैंने दोनों के अंदर फुल ट्रिगर प्रेस किया है जेल भी जीता ने जेत्री को उठा के फेंकने की कोशिश की थी, पर जेत्री काफी ज्यादा चालाक आरसी कार है, देखो इसके ऊपर से जंप मार के ये निकल चुकी है। तो गाइस ये दोनों ही कार जो है उतनी ही पावरफुल है, दोनों के बीच में पूरी तरीके से टाई हो चुका है। ठीक है, ये तीनों ही आरसी कार्स के साथ सेम रिमोट मिलता है, तो इन तीनों का भी रेंज टेस्ट करके देखते हैं गाइस तीनों में से यहाँ पे कौन जीतता है, किसकी रेंज सबसे ज्यादा दी गई है। तीनों को मैं 150 मीटर दूर तक चला चुका हूँ, अभी भी इनका रिमोट ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है, यानी कि तीनों की रेंज बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है। आप इनको शायद 200 मीटर दूर तक भी बहुत आराम से चला सकते हो। तो ये तीनों ही कार्स के व्हील्स कितने ज्यादा एक्सटेंड होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यार मैं इसको नहीं चला रहा हूँ, इसके व्हील्स आपको बिल्कुल एक नॉर्मल दिखाई देंगे, अब चलाऊंगा तो देखो भाई ये तो पूरी शेक हो रही है गाइस। चलते वक्त अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना बिल्कुल भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे गाइस, इतनी ज्यादा ये शेक हो रही है। अब जेल भी चीता के व्हील्स कितने ज्यादा बड़े होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इसके भी व्हील्स काफी ज्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं हाई स्पीड में चलाने में। अब देखो ये है जेल भी जेत्री,
इसके व्हील्स तो यार दोनों कार से भी काफी ज्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं। अगर मान लो गाइस आपका हाथ भी इसके व्हील को लग गया ना, आपके हाथ की चमड़ी निकल सकती है, इतनी स्पीड से ये घूमते हैं। अब ये जो जेएलबी एक्सट्रीम कार है, इसके जैसे स्टंट बाकी दोनों कार्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देख लो गाइस, जैसे ही मैं इसको हाई स्पीड में चलाने की कोशिश करता हूं तो ये बैक फ्लिप मारने लगती है। मतलब ये जो स्टंट है, अगर आप 5 बार ट्राई करोगे ना, ये 2 बार बहुत आराम से कर लेगी। इतनी ज्यादा कमाल के स्टंट्स मैंने आज तक कोई भी कार को करते हुए नहीं देखे। जेएलबी जेत्री के अंदर एक खास चीज दी गई है, क्योंकि ये ऑन रोड कार होने के कारण देखो इसकी स्पीड देखते ही देखते 120 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, और इसकी ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा कमाल की दी गई है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपको जेएलबी एक्सट्रीम अच्छी लगी, जेएलबी जेत्री अच्छी लगी, या फिर जेएलबी चीता अच्छी लगी, नीचे कमेंट करो गाइस। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है यथार्थ, सिलू, लकी, मयंक, विकास, प्रीतम, स्वरूप, रेहान, औसाफ, नवीन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट, इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।